लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर स्टार फिल्म पद्मावत 25 जनवरी को गुरुवार के दिन रिलीज की गई। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी फिल्म पद्मावत दर्शकों को खूब भा रही है। फिल्म में रणवीर की अदाकारी की तारीफ चारों तरफ हो रही है। अलाउद्दीन खिलजी बने रणवीर की डायलॉग डिलीवरी जबरदस्त है। दीपिका फिल्म में रानी पद्मावती की भूमिका में है। फिल्म में सबसे ज्यादा रणवीर सिंह की भूमिका की चर्चा हो रही है। दीपिका फिल्म में सिर से लेकर पांव तक की नजर आ रही हैं। वहीं सिर्फ आंखों के जरिए दीपिका अपनी बात दर्शकों तक पहुंचाने में कामयाब हुई हैं। शाहिद की एक्टिंग में दर्शकों ने राजपूतों वाला धैर्य और साहस महसूस किया। शाहिद ने फिल्म में काबिल-ए-तारीफ काम किया है। इस फिल्म के दर्शकों को पद्मावत का बेसब्री से इंतजार था। करणी सेना फिल्म का विरोध करती रही और धमकाती रही, लेकिन फिल्म रिलीज होते के साथ ही दर्शक फिल्म देखने थिएटर्स में जा पहुंचे। पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि करणी सेना के विरोध के चलते फिल्म को काफी करीब 60 से 70 करोड़ का नुकसान भी हो सकता है, लेकिन हाल ही तरण आदर्श के ट्वीट को देखकर लगता है कि फिल्म 100 करोड़ के आंकड़े को छू लेगी। 26 जनवरी को तरण आदर्श ने ट्वीट कर बताया, फिल्म ने अब तक 30 करोड़ की कमाई कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय लीला भंसाली की फिल्म का गुरुवार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी अच्छा रहा है। पीवीआर सिनेमाज, आईनॉक्स, कार्निवाल सिनेमाज, सिनेपोलिस में फिल्म देखने वालों की अच्छी खासी भीड़ रही। हालांकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में हिंसात्मक प्रदर्शन होने के चलते फिल्म असफल रही। विको मेटन मोशन पिक्चर्स के को प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स के मुताबिक 1 मिलियन लोगों से ज्यादा भारतीयों ने फिल्म देखी। पद्मावत 4000 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई थी, वहीं 1200 स्क्रीन्स पर पेड प्रीव्यू किया गया था। इसके चलते फिल्म ने बुधवार को 5 करोड़ रुपए कमाए। माना जा रहा है कि फिल्म अपने पहले दिन में करीबन 20 करोड़ रुपए कमाने में सफल हो सकती है। ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श ने ट्वीट कर बताया है कि सिर्फ प्रीव्यू पेड के जरिए ही दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह की फिल्म पद्मावत ने 5 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। फिल्म पब्लिक को तो खूब पसंद आ रही है, वहीं फिल्म क्रिटिक्स की पद्मावत को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कहा ये भी जा रहा है कि वीकेंड आते आते संजय लीला भंसाली की ये फिल्म 100 करोड़ रुपए जुटा सकती है, यानी अपने ओपनिंग वीकेंड में फिल्म पद्मावत 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है।